you नमस्कार आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि डिजिटल फोटोग्राफी की क्या विशेषताएं हैं यह हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़े हैं साथ ही मीडिया और फोटोग्राफी के संबंध और तालमेल को भी समझेंगे हमारे विषय विशे विशेषज्ञ हैं कुमार वरुण और मैं हूँ साक्षी मांडवाल श्री वरुण कुमार जो पिछले सात सालों से फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज ये फैशन प्रोडक्ट्स वाइल्ड लाइफ स्ट्रीट फोटोग्राफी आदि में माहिर हैं आज के एपिसोड के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य हैं डिजिटल फोटोग्राफी को जानना डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी और एनालॉग फोटोग्राफी के अंतर को समझना डिजिटल फोटोग्राफ़ी के एलिमेंट्स को समझना डिजिटल फोटोग्राफी के इतिहास की जानकारी मीडिया और फोटोग्राफी के संबंधों को समझना फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में डिजिटल कैमरा के आगमन से डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत हुई और फ़ोटोग्राफी की परंपरागत कार्यशैली में एक नए बदलाव के साथ फ़ोटोग्राफी का तेज़ी से विकास हुआ आज के डिजिटल युग में डिजिटल कैमरा का आना स्वाभाविक था क्योंकि डिजिटल तकनीक के इस दौर में परंपरागत फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा समय लेने के साथ साथ ज़्यादा खर्चीला भी होता है फिल्म कैमरा के द्वारा प्राप्त इमेज को भी स्कैन करके इसे डिजिटल फॉर्मेट में लाया जाता है लेकिन इससे प्राप्त डिजिटल इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होने के साथ साथ ये प्रक्रिया भी ज़्यादा समय लेने वाला और अधिक खर्चीला है जबकि डिजिटल कैमरा से प्राप्त इमेज क्वालिटी में अच्छे होते हैं और कम समय लेते हैं डिजिटल फोटोग्राफी फोटोग्राफी का आधुनिक रूप है जिसमें किसी वस्तु या दृश्य के इमेज को डिजिटल कैमरा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप या इमेज सेंसर पर रिकॉर्ड किया जाता है न कि फिल्म आधारित कैमरे के द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर डिजिटल शब्द लैटिन मूल से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है नंबरों का उपयोग करके मूल्यों को बताना इस प्रकार डिजिटल फोटोग्राफी में बाइनरी कोड में नंबरों के उपयोग द्वारा प्रकाश की सहायता से इमेज का निर्माण किया जाता है बीते 200 सालों में फोटो सेंसिटिव सतहों पर इमेज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है लेकिन तस्वीर को लेने की प्रक्रिया कई सौ सालों से वही है डिजिटल कैमरा और फिल्म कैमरा दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं केवल इमेज को रिकॉर्ड करने की तकनीक में परिवर्तन आया है डिजिटल कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर पर इमेज रिकॉर्ड होता है जबकि फिल्म कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट पर इमेज रिकॉर्ड होता है और प्रकाश को संतुलित कर सही एक्सपोजर की इमेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया समान ही है डिजिटल है क्या ये टेक्नोलॉजी का बदलना है क्या पहले का फिल्म का कैमरा भी देखने में ऐसा होता था क्योंकि उसमें एक बॉडी होती थी और एक लेंस होता था और लेंस अभी भी वही होता है क्योंकि तस्वीर बनाने के लिए तो आपको शीशे की ज़रूरत है जो लेंस कर रहा है जो मेरे सामने रखा हुआ वीडियो कैमरा जो है वो भी कर रहा है लेकिन जो अंदर जो बॉडी है बॉडी के अंदर पहले एक फिल्म की पट्टी लगती थी जिसमें एक रासायनिक एक केमिकल लेप होती थी जो तस्वीर रोशनी पा तस्वीर का एक अक्स बना लेता था एक छाप ले लेता था उसको हम दूसरे दिन या निकाल निका, फिल्म रील को निकालने के बाद धोते थे और तब हमें कोई तस्वीर का नज़ारा नज़र में आता था तो हम उसी समय रिज़ल्ट को नहीं देख पाते थे आज क्या हो गया है वो फिल्म हट गई है उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आ गई है रोशनी जो है वो एक छोटी सी कह लीजिए एक करंट पैदा करती है एक बिजली लेकिन हर किस्म की रोशनी हर रंग की रोशनी अलग अलग प्रकार के करंट पैदा करती है जिसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं एक डिजिटल सिग्नल में ये उसी प्रकार का सिग्नल कन्वर्जन होता है जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर में होता है मैं अभी बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है और वो कन्वर्ट होने के बाद उसको जो उस मीडिया में जो रिकॉर्ड कर रहा है वो उसको उस करंट को एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट परिवर्तित करके स्टोर कर लेगा तो डिजिटल जो है वो एक स्टोरिंग का माध्यम है और क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि थोड़ी सी भी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जा सकती है और इसी से मैं बात यही आती है कि एक आज के इस कैमरे में जो मेरे पास जिसके अंदर एक स्टोरेज का कार्ड लगा हुआ है उस कार्ड में मैं पहले तीस और पैंतीस तस्वीरें ले, ले ले सकता था जब मैं फिल्म पे करता था आज मैं तीन हज़ार तस्वीरें तो ले ही सकता हूँ हो सकता है और ज़्यादा ले सकता हूँ उसमें भी कई परमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं सो so, डिजिटल एक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल फोटोग्राफ़ी ने जीवन को फोटोग्राफी के जीवन को बहुत आसान कर दिया है लेकिन डिजिटल एक माध्यम है इमेज को स्टोर करने का और इंफॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन सिर्फ फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन ही डिजिटाइज़ नहीं होती है साउंड इन्फॉर्मेशन भी डिजिटाइज़ होती है और किस्म की इन्फॉमेसन भी डिजिटाइज़ होती हैं लेकिन डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसने फ़ायदा यही कर दिया है कि इन्फॉर्मेशन को वो बहुत ही छोटी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पैक करके हमारे लिए स्टोरेज को बहुत आसान बना देने में कामयाब होती है टेक्नोलॉजी नहीं बदली है तस्वीरें पहले भी बहुत अच्छी खींची जाती थी फिल्म वाले ज़माने में भी और आज तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है एक्चुअली ये तो एक बच्चा है डिजिटल टेक्नोलॉजी आई होगी कोई पचास साल पहले और वो भी स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान में काम आई जब अमेरिका के अनु अंतरिक्ष अनुसंधान ने नासा ने आसमान से तस्वीरें खींचनी चाही धरती की तब उसने अपने लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल कैमरा पहली बार इस्तेमाल किया था लेकिन स्लोली स्लोली और आप भी जानते मुश्किल से पिछले दस से लेकर पंद्रह वर्ष पहले डिजिटल कैमरा नहीं था ये दो के ज़माने में जब 2000, दो से डिजिटल कैमरा फिल्म कैमरा को हटाने लगा और ये टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल फिर उसके बाद एक तेज़ रफ्तार से तरक्की करी और पूरी मार्केट इसी से छप गई और फिल्म आउट हो गई लेकिन इसकी ज़रूरत इसीलिए आई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पहले महंगी थी आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हुई मैं कहूँगा मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बहुत सस्ती हो गई हालांकि आप जानते हैं टेली दस हज़ार पाँच हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार के भी टेलीफोन जो है उनमें भी कैमरे आ रहे हैं वो भी डिजिटल कैमरे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी डिजिटल फोटोग्राफ़ी के लिए अभी भी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन रिटर्न्स उसके बहुत ही अच्छे और यूज़फुल होते हैं और बहुत बड़ा काम नेचुरल डिजिटल ने यही किया है कि तस्वीर पे आपका पूरा कंट्रोल है पहले फिल्म के ज़माने में पूरा कंट्रोल नहीं होता था आप तस्वीर सिर्फ खींचते थे धोता और तस्वीर बनाता कोई और था जिसके लिए आपको दुकान में पैसा खर्च करना पड़ता था डिजिटल कैमरों के आने से प्रोफेशनल्स एमेचर्स के साथ साथ सामान्य लोगों के बीच फोटोग्राफी की लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है आज हर जगह लोग डिजिटल कैमरों से तस्वीर लेते दिख जाते हैं चाहे वे मोबाइल कैमरा हो या नॉर्मल कैमरा एक फोटोग्राफ़र डिजिटल कैमरा के साथ अलग अलग कैमरा सेटिंग्स के द्वारा अलग अलग तस्वीर निकालकर प्रयोग कर सकता है और अच्छे परिणाम नहीं आने पर डिलीट भी कर सकता है डिजिटल कैमरे से डिजिटल इमेज का निर्माण होता है और ये डिजिटल इमेज छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं जिसे पिक्चर एलिमेंट्स या पिक्सल कहते हैं डिजिटल कैमरा वस्तु या दृश्य की इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल करता है जिसे इमेज सेंसर कहते हैं इस इमेज सेंसर को डिजिटल फिल्म के नाम से भी जाना जाता है इस इमेज सेंसर सिलिकॉन चिप्स में लाखों की संख्या में फोटो सेंसिटिव डायोड्स होते हैं जिसे फोटोसाइट्स कहते हैं जब प्रकाश की किरणें लेंस से होकर इस इमेज सेंसर पर पड़ती हैं तब प्रत्येक फोटोसाइट्स प्रकाश की तीव्रता या ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करता है और चार्ज का संग्रह करता है ज़्यादा या कम प्रकाश के आने से फोटोसाइट ज़्यादा या कम चार्ज को संग्रहित करता है इस प्रकार प्रत्येक फोटोसाइट्स के द्वारा रिकॉर्डेड ब्राइटनेस को नंबरों के सेट के रूप में स्टोर करते हैं जिसे बाद में स्क्रीन पर देख सकते हैं शुरुआती दौर में सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस इमेज सेंसर का इस्तेमाल डिजिटल कैमरों में होता था लेकिन अब सीसीडी इमेज सेंसर के साथ कुछ डिजिटल कैमरों में सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इमेज सेंसर का भी इस्तेमाल हो रहा है इमेज सेंसर अलग अलग साइज में आते हैं छोटे साइज़ के इमेज सेंसर पॉइंट एंड शूट कैमरे में उपयोग किए जाते हैं जिसके साइज़ ए फिल्म के फ्रेम साइज़ के बराबर होते हैं जबकि बड़े साइज़ के इमेज सेंसर प्रोफेशनल डी कैमरों में लगे होते हैं जिसके साइज़ 35 एम mm, फिल्म के फ्रेम साइज़ के बराबर होते हैं इमेज साइज़ को नापने के दो तरीके होते हैं पहला उसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल से या उसके डायमेंशन को नापने से पिक्चर लेते समय हमें बड़े साइज़ में ही उसको पूर्णतः खींचने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि बड़े साइज़ की इमेज क्वालिटी बेहतर होती है उसमें ज़्यादा पिक्सल होते हैं बेहतर डिटेल भी दिखाई देती है एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ी पिक्चर को छोटा करने में कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसकी डिटेल्स और शार्पनेस ज़्यादा पिक्सल्स होने से बढ़िया रेजोल्यूशन देते हैं लेकिन वहीं छोटी पिक्चर लेने पर कम पिक्सल के कारणवश पिक्चर क्वालिटी भी बेकार आती है और शार्पनेस डिटेल इत्यादि भी स्पष्ट नहीं दिखती डिजिटल फोटोग्राफी की लोकप्रियता में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारण हैं डिजिटल कैमरे के द्वारा खींची गई तस्वीरों को तुरंत देख सकते हैं और सही तस्वीर नहीं आने पर उसे डिलीट कर उस सब्जेक्ट या दृश्य की दूसरी तस्वीर खींच सकते हैं जबकि फ़िल्म आधारित कैमरों के द्वारा खींची गई तस्वीर को फिल्म की डेवलपमेंट के बाद ही देख सकते हैं डिजिटल कैमरे के लिए फ़िल्म रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिससे पैसे की बचत होती है और साथ ही साथ फ़िल्म की डेवलपमेंट और प्रिंटिंग में होने वाले खर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिल्म कैमरों में फिल्म के पूरे एक्सपोज होने के बाद नई फिल्म लगानी पड़ती है यानी बार बार फिल्म चेंज करनी पड़ती है जिससे समय की बर्बादी होती है और साथ ही साथ फिल्म के डेवलपमेंट के लिए बार बार फोटो लैब जाना पड़ता है लेकिन डिजिटल कैमरों की वजह से इतनी जद्दोजहद से मुक्ति मिलती है समय भी बचता है डिजिटल कैमरों के द्वारा खींची गई तस्वीरों को हम प्रिंटिंग से पहले देख सकते हैं और पसंद नहीं आने पर मिटा भी सकते हैं डिजिटल इमेज को स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है इस इमेज की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर या टी की सहायता से हम पुरानी या नई खींची तस्वीरों को देख सकते हैं इन तस्वीरों को ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्तों के साथ शेयर और ईमेल भी कर सकते हैं डिजिटल कैमरे से जितनी पिक्चर चाहे हम क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ देख भी सकते हैं जबकि यह सुविधा फिल्म कैमरों में उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि पूरी रोल फिल्म एक्सपोज होने के बाद ही हम ली गई तस्वीरों को देख सकते हैं वह है भी फिल्म के डेवलप होने के बाद डिजिटल इमेज को फोटो एडिटिंग प्रोग्राम के द्वारा मन चाहे तरीके से एडिट कर सकते हैं कैमरे के अंदर भी कुछ फोटो एडिटिंग की सुविधा मिलती है जिससे हम तस्वीरों को क्रॉप कॉन्ट्रास्ट टोन, ब्राइटनेस रेड आई करेक्शन शार्पनेस इत्यादि को अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हैं डिजिटल कैमरे के द्वारा केवल स्टिल इमेज ही नहीं बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी आसानी से की जा सकती है इस वीडियो रिकॉर्डिंग को हम जब और जहां चाहें देख और दिखा सकते हैं साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं डिजिटल इमेज को सीडी और डीवीडी में भी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है डिजिटल इमेज को वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं दूर देश में किसी प्रयोजन के साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं जिससे दूसरे भी हमारी यादों का हिस्सा बन सकते हैं और तस्वीरों में कैद पलों का हिस्सा बन सकते हैं डिजिटल इमेज के निर्माण में किसी भी तरीके के रसायन या खतरनाक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता ये इको फ्रेंडली होते हैं और पेपर भी बचाते हैं जिससे हमारी पृथ्वी को फायदा होता है डिजिटल इमेज को छोटा या बड़ा करके जब चाहे देखा जा सकता है और फोटोग्राफ की बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है इमेज अच्छी ना होने पर दोबारा भी खींची जा सकती है और तुरंत डिलीट भी की जा सकती है डिजिटल फोटोग्राफी के इतिहास में सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस जो डिजिटल कैमरे का हृदय माना जाता है कि खोज जॉर्ज स्मिथ और विलार्ड बॉयल ने सन उन्नीस में बेल लैब में की थी परंतु यह खोज डिजिटल कैमरा के लिए ना होकर कंप्यूटर के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई इससे कंप्यूटर की सेमी कंडक्टर मेमोरी की खोज हुई साथ ही वीडियो और टेलीफोन सर्विस में सॉलिड स्टेट कैमरे को विकसित करने में लाभकारी सिद्ध हुआ डिजिटल फोटोग्राफी के क्षेत्र में सोनी ने सबसे पहला कमर्शियल स्टिल वीडियो कैमरा माविका को सन उन्नीस में मार्केट में लॉन्च किया लेकिन यह कैमरा पूरी तरह से डिजिटल नहीं माना जाता है यह आठ बिट वाला शून्य दशमलव सात नौ मेगापिक्सल डिजिटल टीवी कैमरे के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो दो इंच के फ्लॉपी डिस्क पर स्टिल इमेज को रिकॉर्ड करने में सक्षम था इसके बाद सन उन्नीस में कोडाक ने इस सीसीडी की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हुए उसके मेगा को बढ़ाने का काम किया जिसके चलते अब तस्वीरें बेहतर क्वालिटी की होने लगी उसके पश्चात उन्नीस में फूजी ने जर्मनी में फोटोखिना शो में डिजिटल स्टिल कैमरे डी एस एक पी मॉडल को लॉन्च किया जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं था इसे कमर्शियली बेचा नहीं गया लेकिन उन्नीस में लॉजिटिक फ़ोटोमैन मार्केट में लॉन्च किया गया यह पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा हुआ जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर फ़ोटो ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता था साथ ही कोडाक ने फोटो सीडी का भी आविष्कार किया और इस डिवाइस से फ़ोटो को रिकॉर्ड करने की सुविधा को आम जनता तक पहुंचाया। इस फोटो सीडी से लोग फ़ोटो को रिकॉर्ड तो कर सकते थे लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते थे उनको उसका प्रिंट लेने के लिए कोडाक कंपनी से सहायता लेनी पड़ती थी साथ ही यह सी डी टी वी पर भी तस्वीरें दिखाने में सक्षम थी उन्नीस सौ इक्यानवे में कोडाक प्रोफेशनल्स ने डिजिटल कैमरा सिस्टम डी सी एस का ईजाद किया कोडाक ने निकॉन एफ टीम को सुधार कर डी सी एस नाम से प्रोटोटाइप डी एस एल आर मार्केट में लॉन्च किया जो इमेज को हार्ड ड्राइव में आसानी से रिकॉर्ड करता था और यह कैमरे के नीचे जुड़ा होता था उन्नीस में कोडैक ने कोडैक डी सी पच्चीस कॉम्पैक्ट फ्लैश नाम से पहला कैमरा लॉन्च किया जो रिमूवेबल मेमोरी कार्ड की सुविधा से लेस था जिसे रीड करने के लिए किसी कनेक्टर की आवश्यकता नहीं थी 1999 में निकॉन ने डी मॉडल नाम से पहला कमर्शियल डिजिटल एस आम जनता के लिए मार्केट में लॉन्च किया जो 2.74 मेगापिक्सल का था सन 2000 में मोबाइल फ़ोन में पहली बार डिजिटल कैमरों की सुविधा दी गई यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति साबित हुआ अब हर आम व्यक्ति जब चाहे जितनी चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे फोटो खींच भी सकता था और उसको अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता था वह भी मिनटों में पलक झपकते ही इस खोज से आम लोगों का रुझान फोटोग्राफी की तरफ बढ़ने लगा अब हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बड़ी खुशियां यादों को खुद से ही कैमरे में कैद करने लगा सन 2003 में कैनन ने EOS 300D नाम से कैमरे को मार्केट में लॉन्च किया जिसके लेंस को पुराने फ़िल्म कैमरों के लेंस से बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता था सन 2004 में कोडेक्ट ने फिल्म कैमरे के प्रोडक्शन को बंद करने का ऐलान किया जिससे डिजिटल कैमरों के उत्पादन में इजाफा हुआ अब मार्केट में डिजिटल कैमरों को ज़्यादा बल मिला लोग डिजिटल कैमरा आसानी से इस्तेमाल कर पाते और इससे अपनी मन चाहे तस्वीरें अपनी मर्जी से शेयर भी कर पाते थे कुछ समय बाद रोल फिल्म का उत्पादन भी बंद हो गया जिसके चलते डिजिटल फोटोग्राफी ने जोर पकड़ा और परंपरागत फिल्म फोटोग्राफी का अंत होने लगा सन 2006 में एप्सन कैनन एच जैसी कंपनियां मल्टी फंक्शन वाले प्रिंटरों को मार्केट में लाई यह प्रिंटर न सिर्फ प्रिंट कर सकते थे बल्कि साथ ही स्कैन कॉपी और फैक्स की सुविधा भी उपलब्ध कराते थे 2006 के आसपास 6 मेगापिक्सल तक के डिजिटल कैमरा आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो गए थे धीरे धीरे मेगापिक्सल के साथ साथ डिजिटल कैमरे की सुविधाओं में भी इजाफा होने लगा इसमें एलसीडी स्क्रीन का आविष्कार भी लाभकारी साबित हुआ 2010 में निकॉन ने एस एल आर कैमरे में एच डी मूवी रिकॉर्डर की सुविधा उपलब्ध कराई जिसके चलते बेहतर क्वालिटी की वीडियो आसानी से बनाई जा सकती है इसका इस्तेमाल कोई भी सरलता से कर सकता है निकॉन कैनन सोनी पेंटैक्स सिगमा सैमसंग कोडाक लाइका हैज़ल ब्लेड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने आए दिन बेहतर और नए मॉडल आम लोगों के लिए मुहैया करने शुरू कर दिए कॉम्पैक्ट कैमरा प्रोज्यूमर कैमरा मोबाइल कैमरा डी एस एल आर मीडियम फॉर्मैट कैमरा आदि आजकल आम हो गए हैं आज यह है आलम है कि डिजिटल फोटोग्राफी एक बहुत ही डायनामिक क्षेत्र के रूप में निखर और उभर रहा है इस क्रांति से न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग फोटोग्राफी को पसंद और इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि फोटोग्राफी की दुनिया में अत्याधुनिक और नवीन किस्म की फोटोग्राफी का आगाज हुआ है फोटोग्राफी का मीडिया से बहुत गहरा रिश्ता है सदियों से अनगिनत खबरों को लोगों तक पहुंचाने में जितना अखबारों का योगदान रहा है उन खबरों को प्रमाणित करने में फोटोग्राफी का भी उतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है कहा जाता है एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है अर्थात फोटोग्राफी द्वारा लोग किसी भी खबर घटना दुर्घटना आदि को सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ द्वारा ही समझ सकते हैं फोटोग्राफ के साथ दिखाई गई खबरों को लोग बड़ी उत्सुकता रोमांच से महसूस करते हैं और घटना को समझने में मदद भी मिलती है फोटोग्राफ़ी से दुनिया में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड कर इतिहास के रूप में रखा और इस्तेमाल किया जाता है मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों में फोटोग्राफी को भिन्न भिन्न तरह से इस्तेमाल किया जाता है जिसकी अनेक उदाहरण हैं। पत्रकारिता में फोटोग्राफी खबरों को रोचक संजीदा और उपयुक्त बनाने में कारगर होती है क्योंकि तस्वीरें किसी घटना या दुर्घटना को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने में सक्षम होती हैं इसलिए राजनीतिक आर्थिक या सामाजिक हर खबर को तस्वीरों के द्वारा दिखाकर उनकी सत्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है और लोग भी तस्वीरों को देखकर आसानी से खबर की वास्तविकता और गंभीरता को समझ सकते हैं यहाँ तक कि कई बार तस्वीरें आम जनता को ज्वलंत और सामाजिक मुद्दों पर एकजुट और प्रेरित करती है चाहे वे कारगिल का युद्ध हो या पोखरण में परमाणु परीक्षण फोटोग्राफी ने ऐसे यादगार लम्हों को कैद किया और दिखाया तथा हमेशा के लिए यादगार बना दिया ग्लैमर और चकाचौंध से भरी मीडिया के इस क्षेत्र में फ़ोटोग्राफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चाहे मॉडलिंग के लिए हो या प्रोडक्ट बेचने के लिए सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हो या राजनीतिक प्रचार हो फोटोग्राफी इन सारी चीज़ों के लिए कारगर साबित होता है लोग वस्तुओं की फ़ोटोग्राफ देखकर उन्हें खरीदने के लिए जागरूक प्रेरित एवं उत्सुक होते हैं फोटोग्राफ वस्तु का सही रंग रूप एवं फीचर दिखाने में सक्षम होता है खासतौर पर साज सज्जा की वस्तुएं जैसे गहने महंगे कपड़े खूबसूरत गाड़ियाँ पर्यटन स्थल आदि सब फोटोग्राफ के द्वारा ही अपने स्वरूप को लोगों तक पहुँचाते हैं और अपनी सुंदरता दर्शाते हैं अपने संगठन को लोगों से जोड़ने और लोगों में संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफ द्वारा न सिर्फ शेयर होल्डर को संगठन में हो रही गतिविधियों और इवेंट्स की जानकारी दी जाती है बल्कि अपने कर्मचारियों को भी संगठन के महत्वपूर्ण दूर दराज या अन्य घटनाओं से परिचित कराने में मदद मिलती है मीडिया जब किसी संगठन की खबर छापता या दिखाता है तो फोटोग्राफी उस संगठन के भिन्न भिन्न पहलुओं को दिखाने में कारगर सिद्ध होती है फिल्म की दुनिया में फोटोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है फिल्म का शूटिंग स्थल हो या फिल्म से संबंधित कोई प्रमोशनल इवेंट या अन्य कोई एक्टिविटी फोटोग्राफी के द्वारा इन सारी एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया जाता है और बाद में इन फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल फिल्म के प्रमोशन या अन्य कार्यों के लिए पोस्टर होर्डिंग या अन्य प्रिंटिंग पब्लिशिंग के माध्यम से किया जाता है साथ ही वेब पर इन फोटोग्राफ्स को अपलोड करके भी प्रचार प्रसार का काम किया जाता है डिजिटल फोटोग्राफी के आने से फोटोग्राफी के क्षेत्र को एक नया आयाम मिला है और इसमें इंटरनेट का अपना बहुत ही बड़ा योगदान है फोटोग्राफ को स्टोर करना हो शेयरिंग करना हो या एडिटिंग करना आज हर सुविधा इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध है आज प्रोफेशनल्स हो या सामान्य आदमी हर कोई कैमरे या मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध कैमरों से फ़ोटोग्राफ खींचकर इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम वेबसाइट्स पर अपलोड करता है शेयर करता है या स्टोर करता है फेसबुक और ट्विटर के अलावा तमाम सोशल वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है एक जानकारी के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग यूजर्स द्वारा बीस बिलियन से भी ज़्यादा फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं फोटोग्राफ के द्वारा इंटरनेट पर लोग अपनी हर क्षण की यादों को अपने आसपास या देश विदेश में हो रही घटना या दुर्घटनाओं को शेयर करते हैं और इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में एक फोटोग्राफ को पल भर में इंटरनेट से जुड़े लोगों तक भेजा जा सकता है जिससे लोग देश विदेश में हो रही घटना या दुर्घटनाओं से पल भर में अवगत हो जाते हैं तथा उनकी विश्वसनीयता और हालात फोटोग्राफ से स्पष्ट हो जाता है इंटरनेट पर आजकल बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो फोटोग्राफी से दुनिया को ना सिर्फ जोड़ती हैं बल्कि दुनिया की नई नई जगहों विविधताओं और रहन सहन को भी दिखाती हैं जैसे फेसबुक लाखों लोगों को दुनिया के तमाम देशों में जोड़ता फेसबुक अपने अंदर ही एक अनोखी दुनिया है यहाँ लोग रोजाना लाखों की तादाद में अपनी दोस्तों की देश दुनिया के अजूबों की अलग अलग स्थानों की रोचक फ़ोटो अपलोड करते हैं और शेयर करते हैं इंस्टाग्राम फ्री ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा भी लोग तरह तरह के फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड एडिट और शेयर करते हैं ट्विटर द्वारा लोग दोस्तों परिवार सहकर्मी या अन्य लोगों के साथ मैसेज के द्वारा संवाद करते हैं और जुड़े रहते हैं देश विदेश के नेता अभिनेता सोशलिस्ट आदि बड़ी हस्तियाँ रोज़ाना अपने विचारों को नए प्रोजेक्ट्स को अपनी तस्वीरों अपने कार्यों को ट्विटर के द्वारा अन्य लोगों से शेयर करते हैं ट्वीट्स के द्वारा फोटो वीडियो लिंक या टेक्स्ट मैसेज शेयर किया जाते हैं शटर स्टॉक यह ऐसी साइट है जिस पर दुनिया के तमाम लोग अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करते हैं और उस फोटोग्राफ को उचित कीमत मिलने पर बेच दिया जाता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में फोटोग्राफ ऑनलाइन बिका करेगी इसे फोटोग्राफ का मंडी भी कहा जा सकता है इस साइट पर तरह तरह की फोटोग्राफ्स उपलब्ध है जैसे पशु पक्षियों की इंसानों की वस्तुओं की आदि रिक्शा बस ट्रेन ट्रक प्लेन खम्बों आदि पर पोस्टर या विज्ञापन के रूप में फोटोग्राफी दिखाई देती है इनका इस्तेमाल कभी सामान बेचने में किया जाता है तो कभी सामाजिक मुद्दों की जानकारी आम लोगों के बीच रखी जाती है और फोटोग्राफ के साथ यह माध्यम काफी सशक्त हो जाता है इस तरह मीडिया के हर क्षेत्र में फोटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है और फोटोग्राफी के बिना मीडिया को पूर्ण समझना सही नहीं होगा इस प्रकार डिजिटल फोटोग्राफी बहर फोटोग्राफी है जिसमें डिजिटल कैमरे के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर सी या सीमॉस पर डिजिटल इमेज का निर्माण होता है और ये डिजिटल इमेज बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स अर्थात पिक्सल से मिलकर बने होते हैं इस डिजिटल इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर या अन्य स्टोरेज मीडिया में स्टोर कर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब चाहें इन्हें देख सकते हैं या इंटरनेट के द्वारा शेयर अपलोड या ई कर सकते हैं इंटरनेट के इस युग में डिजिटल फोटोग्राफ़ी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है डिजिटल कैमरा या मोबाइल फ़ोन में बने कैमरों के द्वारा पल पल की तस्वीरों को खींच कर अपनी खुशियों को या देश दुनिया में हो रही घटनाओं की खबर को शेयर करते हैं यानी डिजिटल फोटोग्राफी लोगों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और साथ ही मीडिया के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल व्यापक तौर से हो रहा है आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है डिजिटल फोटोग्राफी को जानना डिजिटल फोटोग्राफी और एनालॉग फोटोग्राफी के अंतर को समझना डिजिटल फोटोग्राफी के एलिमेंट्स को समझना डिजिटल फोटोग्राफी के इतिहास की जानकारी मीडिया और फोटोग्राफी के संबंधों को समझना हमें आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड लाभान्वित करेगा और पसंद आएगा अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित है नमस्कार